लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों 27-28 तारीख को होने वाली है आईपीएल 2018 की नीलामी, और नीलामी के दौरान ही सभी टीमें अपने अपने आरटीएम कार्ड के पत्ते खोलने वाली है, आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है और अपनी प्रीवियस टीम के खिलाड़ियों को फिर से अपनी टीम में लेने वाली है। रिटेंशन प्रोसेस के बाद ये छोटी सी रिटेंशन प्रोसेस पूरी नीलामी की प्रक्रिया के दौरान चलेगी। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हर टीम के आरटीएम प्लेयर्स, किन किन खिलाड़ियों पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है पूरी प्रक्रिया के दौरान। सभी टीमों के बारे में दोस्तों ये जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। सीएसके की टीम ने 3 खिलाड़ियों को रिटेंशन कर लिया है 4 तारीख को ही रिटेंशन प्रोसेस में। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा 3 खिलाड़ी सीएसके की तरफ से 2018 के आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। इनके पास दोस्तों 2 आरटीएम कार्ड है जिसके जरिए ये या तो 2 विदेशी खिलाड़ी या 2 अनकैप्ड खिलाड़ी को अपनी टीम में ले सकते हैं। पहले खिलाड़ी जिन पर दोस्तों ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं उस प्लेयर का नाम है दोस्तों ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो दोस्तों कन्फर्म्ड है आरटीएम के लिए सीएसके की तरफ से। दूसरे खिलाड़ी पर दोस्तों अभी तक सहमति नहीं बनी है, कोई ड्यूप्लेसिस कह रहा है, कोई ब्रैंडन मैकुलम कहता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ड्यूप्लेसिस कंफर्म्ड होने वाले हैं सेकंड आरटीएम कार्ड के लिए, और ड्यूप्लेसिस दोस्तों दूसरे खिलाड़ी होंगे जिन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल सीएसके की टीम करने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, ऋषभ पंत, क्रिस मॉरिस और श्रेयस अय्यर। दिल्ली की 3 रिटेंशन थी। इस आधार पर दोस्तों इनके पास 2 आरटीएम कार्ड तो मौजूद है, लेकिन इन 2 आरटीएम कार्ड के जरिए ये या तो 1 विदेशी खिलाड़ी या 1 इंडियन खिलाड़ी को ही अपनी टीम में ले सकते हैं। दोस्तों पहले खिलाड़ी जिन पर ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं वो शैम बिलिंग्स या कगिसो रबाडा में से कोई सा एक खिलाड़ी होने वाला है, लेकिन बिलिंग्स के साथ दोस्तों चक्कर ये आ रहा है कि उन्हें अभी ईसीबी ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दी। इसका मतलब साफ है दोस्तों दिल्ली डेयरडेविल्स की फर्स्ट चॉइस कगिसो रबाडा ही है। दूसरे खिलाड़ी जिस पर दोस्तों ये आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा भी दोस्तों लगभग कंफर्म्ड है कि इन पर आरटीएम का इस्तेमाल होने वाला है दिल्ली की टीम की तरफ से। दोस्तों अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बहुत ही सरप्राइज रिटेंशन किया था, गौतम गंभीर रिटेन नहीं हुए थे। इनके जो 2 रिटेंशन थे वो थे दोस्तों सुनील नारायण और दोस्तों आंड्रे रसल। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये इस पूरी नीलामी की प्रक्रिया के दौरान 3 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये इससे सिर्फ भारतीय खिलाड़ी या अनकैप्ड खिलाड़ी को ही ले सकते हैं। दोस्तों पहले खिलाड़ी जिन पर ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे वो कन्फर्म्ड है कुलदीप यादव कन्फर्मली जाने वाले हैं। दूसरे खिलाड़ी भी दोस्तों लगभग तय हैं आरटीएम कार्ड के लिए, उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों मनीष पांडे। लेकिन तीसरे खिलाड़ी को लेकर अभी तक संशय बरकरार है। दोस्तों तीसरा खिलाड़ी गौतम गंभीर होने वाला है आरटीएम कार्ड के लिए, लेकिन अगर गौतम गंभीर की प्राइस ज़्यादा होती है बिडिंग के दौरान, लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर पहुँच जाती है, तो केकेआर फिर उन पर आरटीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों वो उमेश यादव या सूर्य कुमार यादव में से किसी एक खिलाड़ी पर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर चांसेस दोस्तों यहां पर उमेश यादव के ही नजर आ रहे हैं। इनके जो 3 आरटीएम होंगे वो होंगे दोस्तों कुलदीप यादव, मनीष पांडे और उमेश यादव। दोस्तों अब बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने सिर्फ 1 खिलाड़ी को रिटेन किया था, अक्षर पटेल ही सिर्फ किंग्स की टीम की तरफ से रिटेन हुए थे। इनके पास 3 आरटीएम कार्ड है जिसके जरिए ये 2 विदेशी खिलाड़ी, 2 इंडियन खिलाड़ी या अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में ले सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों पहला आरटीएम कार्ड ये जिस खिलाड़ी पर लेने वाले हैं वो होने वाले हैं ओइन मॉर्गन। जैसा कि ईसीबी ने अभी एनओसी नहीं दिया, लेकिन ऑक्शन से पहले तक स्थिति साफ हो जाएगी। ओइन मॉर्गन कप्तानी विकल्प प्रोवाइड करते हैं जिसकी जरूरत है किंग्स इलेवन पंजाब को। ओइन मॉर्गन फर्स्ट आरटीएम होने वाले हैं। सेकंड आरटीएम दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर में से कोई सा एक खिलाड़ी हो सकता है। मिलर के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सहवाग ने साफ किया था गेम प्लान के दौरान स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कि वो अब ग्लेन मैक्सवेल को नहीं लेना चाहते, तो स्थिति यही लिख रही है कि मिलर ही सेकंड आरटीएम होने वाले हैं। थर्ड आरटीएम दोस्तों संदीप शर्मा हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक तेज गेंदबाज, एक मीडियम पेसर की जरूरत है। संदीप शर्मा का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, किंग्स इलेवन तीसरा आरटीएम संदीप शर्मा पर कर सकता है। तो 3 खिलाड़ी जिन पर ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे वो है ओइन मॉर्गन, डेविड मिलर और संदीप शर्मा। दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम में रिटेन कर लिया है जिनका नाम है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। हालांकि दोस्तों इनके पास 2 आरटीएम कार्ड मौजूद हैं, ये कोई भी भारतीय कैप्ड खिलाड़ी को रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों ये 2 विदेशी खिलाड़ी या 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों पहला आरटीएम कार्ड के जरिए रिटेंशन लेने वाले उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों क्रुणाल पांड्या। जी हाँ, क्रुणाल पांड्या पर दोस्तों ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो अनकैप्ड खिलाड़ी है और कन्फर्म्ड है कि क्रुणाल पांड्या पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों दूसरे खिलाड़ी जिनको मिलने वाली है रिटेंशन मुंबई इंडियंस की टीम से आरटीएम कार्ड के जरिए, उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों मिचेल मैकलेनगन या कारन पोलार्ड। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर चांस मिचेल मैकलेनगन की ही है कि उन्हें आरटीएम कार्ड के जरिए मुंबई की टीम में खेलने का मौका मिल सकता है।
तो दोस्तों इनके जो दो आरटीएम कार्ड होने वाले हैं वो होने वाले हैं कृणाल पांड्या और मिचेल मैकलेनगन। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सिर्फ एक खिलाड़ी और उनके कप्तान स्टीव स्मिथ को रिटेन कर लिया। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये अब शायद किसी पर भी आरटीएम का इस्तेमाल नहीं करे। हालांकि एक खिलाड़ी पर ही आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अजिंक्य रहाणे। लेकिन अजिंक्य रहाणे के प्राइसेस अगर ज़्यादा जाते, उन पर बिडिंग ज़्यादा होती, तो ये इन पर भी आरटीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ शायद ये एक भी आरटीएम का इस्तेमाल नहीं करे क्योंकि दोस्तों इनके पास ज़्यादातर चॉइसेस ही मौजूद नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने दो खिलाड़ियों को रिटेन किया है 4 तारीख को हुई रिटेंशन प्रक्रिया में, जिन खिलाड़ी का नाम है दोस्तों डेविड वार्नर और भुवनेश्वर कुमार। मतलब दोस्तों ये तीन खिलाड़ी पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों ये या तो एक विदेशी खिलाड़ी पर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये दोस्तों दो इंडियन खिलाड़ी पर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले विदेशी खिलाड़ी जिन पर ये आरटीएम का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों राशिद खान। दोस्तों कन्फर्म्ड है इनकी तरफ से आरटीएम कार्ड के इस्तेमाल के लिए और वही विदेशी खिलाड़ी होने वाले हैं। दूसरे खिलाड़ी दोस्तों जिन पर ये आरटीएम का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है शिखर धवन। हालांकि अगर शिखर धवन की प्राइसेस ज़्यादा गई तो फिर ये शिखर पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी इनकी दूसरी चॉइस शिखर धवन ही है। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी जिन पर ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं लोकल इंडियन खिलाड़ियों में, लेकिन दोस्तों ये हुड्डा या मोहम्मद शिराज, इन दो खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी पर करने वाले हैं आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। ज़्यादातर चांसेस दोस्तों दीपक हुड्डा की ही नज़र आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। दोस्तों तीन खिलाड़ी इनके आरटीएम होने वाले हैं वो है दोस्तों राशिद खान, शिखर धवन और दीपक हुड्डा। दोस्तों अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, विराट, एबी और सरफराज खान इनकी तरफ से रिटेन हो गए हैं। इसका मतलब दोस्तों साफ है ये सिर्फ दो खिलाड़ियों पर ही आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो खिलाड़ियों में दोस्तों या तो एक इंडियन प्लेयर हो सकता है, एक ओवरसीज खिलाड़ी हो सकता है या फिर दोस्तों एक अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकता है। इनके पास ज़्यादा चॉइसेस अब बची नहीं है। दोस्तों यजवेंद्र चहल पहले खिलाड़ी होने वाले हैं जिन पर आरटीएम का इस्तेमाल कन्फर्म्ड होने वाला है। दोस्तों पहला कन्फर्म्ड दोस्तों आरटीएम इनकी तरफ से यजवेंद्र चहल होने वाला, हालांकि लोकेश रावल और केदार यादव भी हैं लेकिन यजवेंद्र चहल कंफर्म्ड है। दूसरे खिलाड़ी विदेशी होने वाले हैं जिन पर दोस्तों आरटीएम का इस्तेमाल ये लोग करने वाले हैं। उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों क्रिस गेल को इन्होंने रिटेन नहीं किया था, लेकिन इन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है। अगर प्राइसेस ज्यादा गई तो भी ये लोग इन पर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इनके जो दो आरटीएम होने वाले हैं वो है दोस्तों यजवेंद्र चहल और क्रिस गेल। तो दोस्तों ये तो थी हर टीम और हर टीम के आरटीएम कार्ड जिनके जरिए दोस्तों ये खिलाड़ियों पर लेने वाले हैं वापस आईपीएल नीलामी के दौरान। आपके हिसाब से दोस्तों ये किन किन खिलाड़ियों को ले सकती है, कौन कौन सी टीम में बदलाव देख रहे हैं आप, कौन सी टीम में बदलाव होने वाले हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम चैनल से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं।